हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। और आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो कुछ ऐसे जापानीज वर्ड्स जो हमेशा से ही हमारे आसपास ही थे, पर हमेशा से हम उन्हें गलत प्रोनाउंस करते आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि जापानीज में उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग उन वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करते हो, बट स्टिल अगर आज की वीडियो आप पूरी एंड तक देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। फर्स्ट वर्ड पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। वो सुनामी नहीं है, वो त्सुनामी है, हल्का सा त्सु है। और त्सु का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव्स। तो सुनामी का लिटरल मीनिंग होता है हार्बर वेव्स। तो सेकंड वर्ड बहुत ही फेमस कार का ब्रांड है, जिसे हम कहते हैं टोयोटा। वो टोयोटा नहीं है, वो टोयोटा है, टोयोटा, क्योंकि टो तो जापानीज में है ही नहीं। और टोयोटा एक सिटी का नाम है जो कि आईची प्रिफेक्चर में है। थर्ड वर्ड, आज की जेनरेशन उसे बहुत अच्छे से जानती है। चैटिंग करते हुए या मैसेजिंग करते हुए हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसे, इमोजी जिसे हम बोलते हैं। इमोजी, वो इमोजी नहीं है, वो एमोजी है। एमोजी, ए का मतलब होता है ड्रॉइंग और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर्स। तो ड्रॉइंग वाले कैरेक्टर्स, कुछ ऐसा मीनिंग है इसका एमोजी। फोर्थ वर्ड है, जिन्हें जापानीज कार्टून्स बहुत पसंद है, तो बहुत ही फेमस जापानीज कार्टून है जिसे हम कहते हैं डोरेमोन। वो डोरेमोन नहीं है, वो डोराएमोन है। ड नहीं है फिर से जापानीज में, तो इसीलिए डोराएमोन। फिफ्थ वर्ड, हम जब छोटे थे तो स्कूल्स में टीचर्स हमें बोलती थी ओरिगैमी पेपर लेके आना, तो ओरिगैमी पेपर हम बोला करते थे। तो ओरिगैमी नहीं है वो, उसकी सही प्रोनंसिएशन है ओरिगामी। ओरी का मतलब होता है फोल्ड करना या ब्रेक करना, और कामी का मतलब होता है पेपर। तो फोल्ड कर सके पेपर को, कुछ ऐसा मतलब है इसका। और ओरिगामी एक आर्ट है पेपर फोल्डिंग की, जिससे हम अलग अलग चीजें पेपर को फोल्ड करके बना सकते हैं, पेपर क्राफ्ट जिससे हम कर सकते हैं। तो इसकी सही प्रोनंसिएशन है ओरिगामी। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उनके लिए जिन्हें फास्ट फूड बहुत पसंद है। तो नूडल्स, मोमोज और जितने भी स्नैक्स हम खाते हैं उनमें ज्यादातर ये यूज होता है, जिसे हम कहते हैं अजीनोमोटो। ये अजीनोमोटो नहीं है, ये है अजीनोमोटो। और ये स्पाइस का बहुत ही फेमस जापानीज ब्रांड नेम है, पर ये कोई चीज नहीं है जैसे कि चीनी या नमक, पर ये इतना फेमस हो गया है कि हम इसको स्पाइस के नाम की तरह समझने लग गए हैं, पर इन रियलिटी ये एक स्पाइस का ब्रांड नेम है। तो अजीनोमोटो एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, और अजी का मतलब होता है फ्लेवर और मोटो का मतलब होता है अनकवर्ड या रॉ। नेक्स्ट वर्ड आपने वीगन से बहुत ज्यादा सुना होगा, वो लोग कहते हैं पनीर मत खाओ, टोफू खाओ। तो वो टोफू नहीं है, वो तोफू है। तोफू, तो का मतलब होता है सोयाबीन्स या सोया, और फू का मतलब होता है फर्मेंट करना या रॉट करना। तो ऐसे सोयाबीन्स जिन्हें फर्मेंट किया गया हो, तो फर्मेंट करके जो सोयाबीन को बनता है उसे हम कहते हैं तोफू। नेक्स्ट वर्ड है उनके लिए जिन्हें मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं कराटे। वो कराटे नहीं है, वो कराते है। कराते, कारा का मतलब होता है एम्प्टी और ते का मतलब होता है हैंड्स। तो एम्प्टी हैंड, हैंड से कुछ टेक्निक्स करी जाएं, कुछ ऐसा मतलब है कराते का, कराते। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है जो कि हमारी लाइफ का पार्ट है इंडिया में जो लोग रहते हैं, कि हमें अगर कम्यूट करना है कहीं भी तो हम फटाफट से रिक्शा पकड़ते हैं। तो रिक्शा भी एक जापानीज वर्ड है, और ये दो लेटर से मिलके बना है, रिकी और शा। रिकी का मतलब होता है स्ट्रेंथ या पावर, और शा का मतलब होता है व्हीकल। तो ये उस टाइम की बात है जब लोग अपनी स्ट्रेंथ या अपने पावर से उस व्हीकल को खींचते थे जिसपे लोगों को बिठा के वो इधर उधर छोड़ा करते थे। तो अपनी स्ट्रेंथ से उस व्हीकल को खींचते थे, तो तब से इसका नाम था रिकी शाह। पर इंडिया आते आते अब हम इसे रिक्शा ही बोलते हैं। और लास्ट वर्ड है उन लोगों के लिए जिन्हें गेम्स में और पजल्स में इंटरेस्ट है। तो जब मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी पुराने टाइम में, तो हम लोग न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स में देखा करते थे गेम्स और पजल्स आती थी। तो एक ऐसी गेम थी, आपको याद होगा, सुडोकू बोलते थे हम जिसे, सुडोकू। वो सुडोकू नहीं है, वो सुडोकू है। सु का मतलब होता है डिजिट्स या नंबर्स, और डोकू का मतलब होता है सिंगल। तो डिजिट्स शुड रिमेन सिंगल, कुछ ऐसा मतलब है इस गेम का।
और इसकी सही प्रोनंसिएशन है सुदोकु। तो ये मेरी तरफ से 10 वर्ड्स थे जो कि मैं इंडिया में जब थी तो इन्हें कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करती थी, पर जब जापान आई तो इनका लिटरल मीनिंग मुझे पता चला और इसकी सही प्रोनंसिएशन पता चली। तो आपको भी अगर कुछ ऐसे वर्ड्स पता हैं जो हमारे आसपास ही हैं पर हम उन्हें गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू, बाय बाय।